प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण एवं सोलर प्लांट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। योजना का लाभ अधिक से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए डिस्कॉम अधिकारियों को उपखंडवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता UR गोदारा ने बताया है कि डिस्कॉम की ओर से योजना के लिए अधिक से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को पंजीकरण करवाने और प्लांट लगाने के लिए कार्य योजना बनाकर बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने और उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में जागरूक कर जोड़ने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत सरकार और ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 1 से 2 किलोवाट तक का संयंत्र लगाने पर 30 से 60 हजार रुपए का अनुदान दे रही है। 3 किलोवाट और उससे अधिक के सोलर कनेक्शन पर केंद्र सरकार 78 हजार रुपए का अनुदान दे रही है। पर किलोवाट फर्स्ट में 30 हजार रुपये सब्सिडी है, सेकंड किलोवाट में 60 हजार, थर्ड किलोवाट में 78 हजार और टोटल सब्सिडी 78 हजार है। उसके बाद ये प्लांट भले आप कितना ही लगाओ, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, तो उसकी लागत छूट ये मैक्सिमम यही है। और ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसके लिए आपको सूर्य घर पोर्टल पर अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद आपको फाइल लगानी पड़ती है वेंडर के थ्रू, और वेंडर आपके कॉन्टैक्ट होने के बाद घर पे आके प्लांट लगाएगा और प्लांट लगने के बाद मीटर टेस्टिंग के लिए जमा करेगा। मीटर टेस्ट होने के बाद मीटर लगेगा और मीटर लगने के बाद जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उपभोक्ता खाते में 78 हजार रुपये सब्सिडी आ जाएगी।